तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा पैन कार्ड बन चुका है या फिर अभी नहीं, या फिर ऑब्जेक्शन में है या फिर पेंडिंग में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल या क्रोम ब्राउज़र में ट्रैक पैन कार्ड सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है ट्रैक पैन कार्ड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ओपन होगा वेबसाइट, तो हमें स्क्रॉल करना है नीचे की ओर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है ट्रैक योर पैन एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन कूपन नंबर, तो हमें यू जो है ऊपर वाले में इसमें हमको फिल कर देना है अपना जो स्टेटस वाला एप्लीकेशन कूपन नंबर है। उसके बाद से हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है अपना आधार में जो है, जो कि मेरा आधार। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कूपन नंबर मैंने फिल कर दिया है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमें तीसरे नंबर पे जो हमारा कैप्चा है, कैप्चा वेरीफिकेशन हमको यहाँ पर फिल करना है, जैसा कि 50 81 80। तो मैंने कैप्चा भी आप लोग देख पा रहे हैं एप्लीकेशन कूपन नंबर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है सबमिट का, इस सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं पूरा हमारा स्टेटस आ चुका है। इसमें रीजन भी बताएगा, मतलब कि आपका पैन कार्ड बन चुका है या फिर नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरा पैन कार्ड जो है अभी पेंडिंग में है, ऑब्जेक्शन लग गया है, जो कि माइनर का कुछ ऑब्जेक्शन लगा है। तो इस तरह आप लोग भी चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।